हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट हो गया है। कब से है? 4 मई से। तो आज से आपके पास टोटल 120 दिन है, 120 डेज। इस 120 दिन को अगर आप अच्छे से यूज करते हैं, अच्छे से, जैसा कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और अगर आप ये 120 दिन अगर अच्छे से यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो मार्क्स है वो 95%+ आ सकता है। बट ये 120 दिन को आपको अच्छे से यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। आप चाहोगे तो इस 120 दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी आप उसको 1 से 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज 120 दिन में आपको क्या क्या चीज़ें करना है। अगर आप ये सारे चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली 120 आपका 95%+ आ सकता है। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो गाइस देखिए, आप लोगों के पास टोटल कितना टाइम होता है एक दिन में? आपके पास टोटल कितना होता है? 24 आवर। 24 आवर में आपको करना क्या है, इसको आप 8-8-8 के पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए। 8-8 पोर्शन में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, इस 8 आवर को अपने स्लीपिंग टाइम के लिए रख लीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा सोते हैं तो कम कर दीजिए, और अगर आप कम सोते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटर है, बट आपको 7-8 आवर का स्लीपिंग टाइम होना ही चाहिए आपके लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप आना है सेकेंड 8 आवर में। और इस 8 आवर को कैसे यूज करना है, इस 8 आवर को आपको यूज करना है, अगर आपका स्कूल चालू हो गया है तो आप स्कूल जा सकते हैं, ठीक है, और अगर आपका ऑनलाइन क्लास अभी भी हो रहा है तो आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्ले लिखा है, प्ले मैंने लिखा है ये फिजिकल गेम के लिए, कि आपने बैडमिंटन खेल लिए, आपने और कोई चीज़ें खेल लिए, उसके लिए मैंने लिखा है। मैंने मोबाइल गेम के लिए नहीं लिखा है इस चीज़। और मैंने यहाँ पे लिखा है फूड प्लस बाथिंग, ये सब चीज़ें जो आपका पर्सनल टाइम जो कंज्यूम करता है उसके लिए। मैंने इस सारे टाइम को किस पे इंक्लूड कर दिए हैं, इस 8 आवर में। अब आपका टोटल 16 आवर यूज हो चुका है, अब आपको बच कितना गया, 8 आवर। इस 8 आवर में किसी चीज़ों का अटैक नहीं होने देना है। इस 8 आवर को केवल और केवल आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए रखिए। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, दोपहर पढ़ो, रात पढ़ो, कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। बस आप अपने पढ़ने का टाइम को डिसाइड कर लीजिए कि बस 8 आवर हमको पढ़ना है। आप 2-2 आवर का 4 स्लॉट बना लीजिए, या फिर आपको जैसा पढ़ने में अच्छा लगता है आप वैसा स्लॉट बना लीजिए। और मैंने इस 8 आवर को भी क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। कैसे डिवाइड किया है, 2 आवर आपको पर डे मैथ्स में देना है एनी हाउ, सेकेंड 2 आवर आपको SST वाले सब्जेक्ट में देना है, थर्ड 2 आवर आपको साइंस वाले सब्जेक्ट में देना है, और यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 1 आवर। अगर आप इस शेड्यूल को केवल 120 दिन के लिए, बस 120 दिन के लिए अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं ऑनेस्टली, तो डेफिनेटली आपका 95%+ मार्क्स आएगा ही आएगा। अब आप लोगों में से बहुत कोई ये चीज़ को बोलेंगे कि टाइम टेबल तो बनाते हैं बट वो यूज ही नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं। देखो यार, आपका लाइफ बहुत लंबा है, बहुत ही लंबा, तो अभी अगर आप 120 दिन के लिए अपने मोबाइल को थोड़ा सा कम यूज़ कर लोगे तो क्या हो जाएगा, मोबाइल तो रहेगा ना, बट एक बार आपका एग्ज़ाम चल जाएगा तो क्या एग्ज़ाम आपके लिए दोबारा आएगा क्या? नहीं, डेफिनेटली एग्ज़ाम आपके लिए दोबारा नहीं आएगा, लेकिन आप मोबाइल को दोबारा चला सकते हैं। आप TV में जो चीज़ें देखते हैं उसको आप एग्ज़ाम के बाद भी देख सकते हैं, वो अभी भी रहेगा, एग्ज़ाम के बाद भी रहेगा, और एग्ज़ाम के 20-30 साल बाद भी वो चीज़ें रहेगा, वो चीज़ें कहीं हटने वालों में से नहीं है। तो बस 120 दिनों के लिए आप क्या कीजिए, नो फोन, से नो TV, से नो रेस्ट। रेस्ट नहीं कीजिए, 120 दिन आप झोंक दीजिए पढ़ने में अपने आप को। अगर आपने ये चीज़ें कर लिया, मैं आपको कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम आपको
2-2 आवर का स्लॉट दे दिए हैं। आप इसको जब चाहें, जब आपको अच्छा लगे, बस इसको आप पूरा कीजिए। उसके बाद आप क्या करते हैं कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप इस चीज को पूरा कीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो ये जो मोबाइल आप अभी यूज कर रहे हैं ना, इससे और बहुत अच्छा अच्छा मोबाइल आने वाला है, बहुत ही अच्छा अच्छा मोबाइल आने वाला है। आप उसको यूज करना और इंजॉय करना, नहीं तो बता दे रहे हैं जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, इस मोबाइल में ही देखोगे आप, उस दिन आपको इस मोबाइल को देखने का मन नहीं करेगा, रिजल्ट आपको देखने का मन नहीं करेगा। तो चलो यार, आशा करते हैं कि आप ये वीडियो को समझे होंगे। आप 120 दिन के लिए चैलेंज लीजिए कि नो मोबाइल, नो टीवी, नो रेस्ट। अगर आप इतना कर पाते हैं तो आप डेफिनेटली अपना मार्क्स स्कोर कर पाओगे और बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं, हम आपको ऐसे ही एग्जाम टिप्स देते रहेंगे। और चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।